जो आयोजक साहब है उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि क्या कन्हैया जी का ये गीत गा दूं या मीटर यहाँ से चेंज कर दूं। कोमल भैया कन्हैया जी का हेलो गाना गाना है क्या? और बहुत बढ़िया सा गाना है। बहुत साधारण सा गाना है। नीलम बहन अरे परसों बीत गए कलाकार, बड़े मजबूत कलाकार, किसी की सुनने वाले नहीं ऐसे कलाकार दादा हमारे शंभू हलचल जी कानपुर, आपका पदार्पण हुआ इनके सम्मान के लिए, जोरदार तालियां बजा दें। आओ चाचा रुत आए रुत प्यार में दे
सा, अरे फिर भी मेरा मन प्यासा, अरे फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, कन्हैया लाल का जन्म हो गया, जन्म हो गया। अब माता देवकी ने कहा कि कंस आएगा इसे भी मार देगा, इनको लेकर आप गोकुल पहुंच जाइए। वसुदेव जी कन्हैया को लेकर जाने लगे, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो आखिर माँ होती है। माँ ने देखा, माँ की आंखों में आंसू आ गए, और जब आंसू आ गए तो बस गाना कह रहा है नीलम बहन, गाने में कुछ नहीं, एक भाव है। बिल्कुल बिल्कुल, व्याकुल नैना बोले ना बैना, अरे व्याकुल नैना बोले ना बैना, ओ दत्ता बस देख रही है मैया, अरे बस देख रही है मैया, जा रहा किसान कन्हैया। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम बहन। अरे व्याकुल नैना बोले ना बैना, व्याकुल नैना बोले ना बैना, अरे देख रही है मैया, शंभू भैया आप इधर आओ, सही हमारे मंच पे आओ, आओ का नहीं, अच्छा बैठे रहो लेकिन लाओ लाओ लाओ। सुनिए, माता विचार कर रही है लेकिन बोल नहीं रही है, कैसे कैसे, अरे उल्का पात हुआ ये उरे आघात हुआ, उल्का पात हुआ, अरे उरे आघात हुआ, निधि गई लूटी, अरे किस्मत फूटी, निधि गई लूटी, अरे किस्मत फूटी, लाली की संग पड़ा क्या बेटे, अरे बिरह घूटी की इस घूटी को, बिरह घूटी की इस घूटी को, अरे कोई नहीं है पिवैया, जा रहा
शंभू हलचल जी कानपुर, आप तरफ से ये 251 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए और 51 रुपए सारे कलाकारों को आपने दिया है। ये सुंदर गान का पैसा है, ये गोविंद निछावर वाला, ये दादा हमारे कभी खाली नहीं रहते, ये बात सही, हमेशा इनकी डेट फुल रहती है। ये बड़ी विशेष बात है कि इतने दूर से ये आप सबके बीच कार्यक्रम सुनने आए हैं। बिल्कुल, कलाकारों के पास एक मिनट का समय नहीं रहता है। अगर आप इतनी दूर से कार्यक्रम सुनने आए हैं तो ये हम दोनों बहन भाई का प्रेम है, लगाव है, और इस जनमानस के लिए प्रेम का जोरदार ताली हमारे शंभू दादा के लिए आप लोग बजाते हैं और मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। हमेशा आशीर्वाद मिलता है किसी ना भी किसी रूप में, जिस चीज की आवश्यकता मुझको होती है दादा कभी हमको कभी मना नहीं करते हैं। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ और चूंकि समय दिया कोमल भैया ने पहले चक्र में दे दिया है और चूंकि इन्होंने कहा कि सचदेवा जी तुम तो कई साल से आ रहे हो तो तुम्हारे लिए छूट नहीं उनके लिए छूट है, तो हमने कहा जल्दी जल्दी से गाना गाते हैं हम। सुने माता विचार करने लगी ना दिल से लगा पाई मैं, दिल से लगा पाई ना, दिल से लगा पाई ना, दूध पिला पाई मन है उखड़ा, कहूं क्या दुखड़ा, मन है उखड़ा, कहूं क्या दुखड़ा, चंदा सा जिसने का मुखड़ा, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, अरे जो अमावसी में छोड़ी चला है, जुधैया जा रहा किसान कन्हैया, जा रहा किसान कन्हैया, जा रहा किसान कन्हैया। विचार करने लगी माँ कि प्रियतम जाते हैं पर नजर नहीं आते हैं, बस दिल ने पुकारा, अरे मेरा वो राज दुलारा, दिल ने पुकारा, अरे राज दुलारा, मेरे नैनो ना, इस माँ की भले इस माँ की नहीं, अरे ना इस माँ की उस यशोदा माँ की, ना इस माँ की अरे यशोदा माँ की, ओ ममता की छैया जा रहा किसान कन्हैया, कन्हैया।
और बढ़िया गाना, बढ़िया बजाना, बढ़िया के माध्यम से स्वागत कर रही हूँ बड़े भैया श्री शंभू हलचल जी, जी। आपका और आपके सभी मित्र मंडली का मेरी ओर से हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। आपने अपना अमूल्य समय हम बच्चों के लिए दिया, हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ। और कल मेरा गाना शंभू भैया से ही था कार्यक्रम, और आपने आज भी समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर लिया। बड़ी अच्छी तर्ज गाई है आपने। फिर भी मेरा मन प्यासा। गाया फिल्मी दुनिया वालों क्या कि बात पुरानी है। कि बात पुरानी है, एक कहानी है, बात पुरानी है, अब सोचो कुछ याद हमको। एक अंतरा एक पर्दा उतार कर गाना पड़ेगा। बात पुरानी है, एक कहानी है, बात देवा जी। हालांकि गाना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिया है, पहला चक्र है।
गाना बिल्कुल सीधा होना चाहिए, लेकिन जो मैंने दिया था आपको गाना, माता देवकी की गर्भ जब योग माया ने माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, उस समय भगवान कन्हैया पुनः माता देवकी के गर्भ में आए 6 माह बाद। छठवीं संतान को उन्होंने 6 पुत्र मार दिए, समझिए पहले बात को, 6 पुत्र मार दिए, 7वीं को उन्होंने रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया और 7 माह बाद फिर माता देवकी के यहाँ आई, यानी 6 की बात कट चुकी थी। फिर 7 वर्ष की आयु और 7 गर्भ के बाद जब आपने जवाब दिया जो कुछ भी सब ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आइए आपका जवाब सुनिएगा। जब वसुदेव जी कन्हैया को सूप में रखकर माँ यशोदा के पास छोड़ आए तब माता धरती कहने लगी, क्योंकि कहा भी गया है विप्रधेनु सुर संत हित, जब विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो माता धरती सोच रही है क्या चाड़े वाले बड़ा बड़ा खुश है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, माता धरती कह रही है खुश हो माता जय हो विधाता मेरा कष्ट हरैया। पंक्ति कह रही है कि जा रहा कृष्ण कन्हैया, सचदेव जी ध्यान चाहूंगी मेरी पंक्ति क्या कह रही है, सुने मेरा कष्ट हरैया आ गया किसन कन्हैया। बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के, आ गया किसन पावन घड़ी आई है। जब भगवान कन्हैया ब्रज में आए
और ब्रज में क्या भूमंडल पर आए आज हमारे यादव परिवार में जन्मोत्सव मनाया गया है। तो पावन घड़ी आई, पावन घड़ी है आई, घर में बजे बधाई। सुनने के पुकारी वो उपकारी, दुष्टों का संघारी, हरने पिपैत हमारी, जो सूखे उप वन में आया, जो सूखे उप वन में आया, बन के सुमन खिलैया। कहना क्या दर्शन को थी तरसी, दर्शन को थी तरसी, देख प्रभु को हरसी। माता धरती ने देखा तो प्रसन्न हो गई कि आज दर्शन को तरसी, देख के प्रभु को हर्षी। वो धर्मधारी किशन मुरारी, हिये में प्रत्येक सदियों के प्यासे को आया, सदियों के प्यासे को आया, जैसे नीर पिवैया। डगमग नैया आ गया किशन कन्हैया, आ गया किशन।